लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम वीवीपैट को लेकर दिल्ली में 21 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद सभी दल चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस की ओर से इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। दरअसल एक सप्ताह पहले सीएम अशोक गहलोत ने इलेक्शन कमीशन में जाकर 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग रखी थी। विपक्षी दलों के इस अभियान की अगुवाई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। वे पिछले काफी समय से ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से ईवीएम वीवीपैट को लेकर विपक्षी दलों की अहम बैठक और इस बैठक के बाद चुनाव आयोग से भी मुलाकात की जाएगी। आपको बता दें कि 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग को लेकर ये बेहद अहम बैठक आयोजित होने वाली है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी प्रीत, बताएं कि इस बैठक में कौन कौन शामिल रहा और क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए, तमाम जो 21 जो विपक्षी दल हैं उसमें तमाम जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं। खास तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल है। कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में है वो मौजूद है। आनंद शर्मा है जो राज्यसभा में उप नेता है वो इसमें पहुंचे हैं। साथ ही अहमद पटेल है कांग्रेस की ओर से। तो कांग्रेस के जो चार बड़े नेता हैं, अहम नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही 21 विपक्षी दल जो कि यूपीए के गठबंधन में शामिल है वो इस बैठक में पहुंचे हैं। करीब 1:30 बजे का समय था लेकिन 2 बजे एक एक करके तमाम जो नेता पहुंचे उसमें शामिल हुए और अब ये बैठक 2 बजे करीब शुरू हुई है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद एक आम राय पर ये तमाम नेता पहुंचेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग जाने का जो है इनका आगे का कार्यक्रम है। ये कहा जा रहा है कि 50% जो वीवीपैट पर्चियां निकलती है उनका मिलान किया जाए मतगणना के समय, इनकी ये मांग है। तो ईवीएम और वीवीपैट दोनों ही मांगों को लेकर ये जो नेता है ये चुनाव आयोग पहुंचेंगे आज 2:30 बजे। जी प्रीति, बताएं अभी क्या जानकारी मिल रही है, मीटिंग अभी चल रही है और कब तक ये चलेगी मीटिंग? देखिए, अब से 10 ही मिनट पहले अभी 2 बजे ये बैठक शुरू हुई है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 1 घंटे तक ये बैठक चलेगी। अगर 1 घंटे के अंदर सहमति बनती है तो तमाम जो नेता हैं इनमें जो बड़े नेता हैं प्रमुख पार्टी के हैं वो चुनाव आयोग जाएंगे और चुनाव आयोग में अपना ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन अगर बैठक 2 घंटे चलती है तो जितना भी बैठक का जो भी समय रहता है उसके बाद चुनाव आयोग जाने का समय लगेगा। जी जी प्रीति, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, ईवीएम वीवीपैट को लेकर विपक्षी दलों की अहम बैठक चल रही है। 2 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं।